नमस्कार दोस्तों, साहस होम्योपैथिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर खुशबू आज आपके लिए ब्लैक हेड्स पे ये वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें आप जानेंगे ब्लैक हेड्स के कारण, लक्षण और उसके लिए कुछ होम्योपैथिक उपचार। ब्लैक हेड्स छोटे छोटे कीले होती हैं, जिन्हें अंग्रेजी में बम्स कहते हैं, जो आपकी त्वचा पर बालों के रोम के ना बढ़ने के कारण हो जाते हैं। इन बम्स को ब्लैक हेड्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी सतह काली दिखाई देती है। ब्लैक हेड्स हल्के प्रकार के मुहासे होते हैं, जो आमतौर पर चेहरे पर होते हैं, लेकिन वे शरीर के निम्न भागों में भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे पीठ पर, छाती पे, गर्दन, हाथों, कंधों पे। ब्लैक हेड्स ओपन कमेंडो है। कैमेंडोन तब होते हैं जब त्वचा छिद्र मृत त्वचा कोशिकाओं और सीबम सुरक्षात्मक से भर जाते हैं। ब्लैक हेड्स जो त्वचा की सतह पर दिखाई देते हैं, वह गहरे रंग का होता है। जब त्वचा छिद्र में मृत त्वचा कोशिकाएं भर जाती हैं, तो यह हवा की ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया कर काली हो जाती है, जिससे एक ब्लैक हेड बन जाता है। ब्लैक हेड का विकास त्वचा की सफाई से संबंधित नहीं है। जानते हैं ब्लैक हेड्स के कारण। ब्लैक हेड्स कुछ लोगों में अधिक और कुछ में बहुत कम होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। आयु और हार्मोनल परिवर्तन इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। मुहासे के अन्य लक्षणों की तरह यौन अवस्था या जब हार्मोन्स के स्तर में परिवर्तन होने के कारण सीबम उत्पादन बढ़ जाता है, तब ब्लैक हेड्स की समस्या होना आम है। हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं। एंड्रोजन जो पुरुष सेक्स हार्मोन्स होता है, सीबम का अधिक स्वारण करता है। किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों दोनों को एंड्रोजन की उच्च स्तर का अनुभव होता है। यौवनारंभ के बाद मासिक धर्म, गर्भावस्था और गर्भ निरोधक गोलियों के उपयोग के दौरान होने वाली हार्मोनल परिवर्तन के कारण महिलाओं में ब्लैक हेड्स होते हैं। शरीर द्वारा त्वचा कोशिकाओं का अधिकतर उत्पादन भी ब्लैक हेड्स का कारण हो सकता है। इसके अन्य कारक भी इस प्रकार हैं। सौंदर्य उत्पादों का अधिक प्रयोग से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाना, अधिक पसीना आना, शेविंग या अन्य गतिविधियां जो बालों के रोम को खोलती हैं, वातावरण में अधिक नमी और ग्रीस होना, स्वास्थ्य स्थितियां जैसे तनाव, PCOS, PMS। कुछ दवाएं जो त्वचा की कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाती हैं। जानते हैं ब्लैक हेड्स के लक्षण। ब्लैक हेड्स का मुख्य लक्षण छोटे काले रंग के पोर हैं। ब्लैक हेड्स मुहासों का एक लक्षण है, लेकिन खुले छिद्रों के कारण होने पर वे अन्य मुहासों के घाव से कुछ मायनों में भिन्न होते हैं। ब्लैक हेड संक्रमित नहीं होते और उनमें पिंपल जैसा दर्द या परेशानी नहीं होती। ब्लैक हेड्स के कारण उपस्थिति में परिवर्तन से कुछ रोगियों में शर्मिंदगी और सामाजिक मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों का सामना हो सकता है। जानते हैं ब्लैक हेड्स के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयां। ब्लैक हेड्स होने पर आप 200 की 5 बूंदे सवेरे, 5 बूंदे शाम को लें। इसके साथ ही CPR-30 की 2 बूंदे सवेरे, दिन में शाम को लें। इसको आपको सिर्फ 15 डेज के लिए लेना है। और इसके साथ ही बर्बरिस एक्यूफोरियम क्यू को 15 बूंदे सवेरे, 15 बूंदे दिन में और 15 बूंदे शाम को लें। इस दवाई को आप लगातार ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।